हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यू आर विद शिल्पा भाटिया एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एप्लीकेशंस जो कि मैंने यूज़ करे थे अपने असाइनमेंट्स बनाने के टाइम पे। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं बताने वाली हूँ, एक और ऐसी एप्लीकेशन बताने वाली हूँ जिसकी मदद से मैं पढ़ती थी। क्योंकि मैटर क्या करता है कि आप कैसे असाइनमेंट बना रहे हो, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ये मैंने शेयर किया था। मैं आज बताने वाली हूँ कि कौन सी एप्लीकेशंस मैंने यूज़ करी एंड स्पेशली जब क्लासेस में क्विजेस होते थे तो मैं उस टाइम पे कौन क्या पढ़ के जाती थी, कैसे पढ़ के जाती थी। मेरे जो क्विजेस में भी मार्क्स होते थे, मिड टर्म्स में, फाइनल टर्म्स में, उसमें भी अच्छे मार्क्स आते थे। एंड उसके अलावा मैं एक और चीज़ पे आपका सजेशन चाहूँगी, तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगी। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, भूलना मत, ताकि उनको भी हेल्प मिले एंड वो भी आराम से यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट पास कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताती हूँ। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं कैनवा यूज़ करती थी। हमारे पास एमएस ऑफिस रहेगा, आप एमएस ऑफिस में भी जो पावर पॉइंट है उसमें भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो अगर अभी तक आपने यूसीडब्ल्यू ज्वाइन नहीं करा है और अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि आपको आना चाहिए। तो आप एमएस ऑफिस ज़रूर, ये वाला एमएस ऑफिस वाला स्किल ज़रूर लर्न करके आओ, एटलीस्ट बेसिक सीख के आओ। एमएस ऑफिस का यूसीडब्ल्यू आपको सब्सक्रिप्शन दे देंगे, आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे भी पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशंस बना सकते हो फॉर बेटर डिज़ाइंस। बट अगर आपको और अच्छे से मतलब अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस बनानी है तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो। कैनवा एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा जो कंटेंट के लिए होता था तो चैट जीपीटी इज़ ऑलवेज देयर, हर कोई चैट जीपीटी यूज़ करता है। बट मुझे क्या लगता है कि चैट जीपीटी इज़ मोर लाइक गूगल ओनली। आप गूगल पे कुछ डाल रहे हो, आपको सर्च इंजन आपको उसका रिजल्ट दे रहे हैं। तो सिमिलरली गोज विद चैट जीपीटी ऑल्सो, एंड वो एकदम अप टू डेट नहीं होता है। जो पुराना डेटा गूगल में स्टोर है वो वही डेटा हमें देता है। तो चैट जीपीटी का जो 4 वर्जन है उसमें एक बेनिफिट होता है अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो कि आप उसमें अपना फाइल पूरा अपलोड कर सकते हो, वो फाइल रीड करके आपको बता देगा कि हाँ ये सही है या ये गलत है, यू कैन कमांड दैट। तो चैट जीपीटी यूज़ करना बहुत हेल्पफुल है बट उसको सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने आने चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि मैं सिखाऊँ कैसे प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने हैं या किस तरीके से चैट जीपीटी से बात करनी है, आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। तो इट्स एन एआई ओनली, यू कैन से दैट इट्स अ मशीन, हम जिस तरीके से उसको चलाएंगे वो उसी तरीके से चलेगा। उसके अलावा अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी सिर्फ इसलिए यूज़ करना ताकि आपको जो है उसमें से कंटेंट मिल सके, बाकी लिखो आप खुद से, ठीक है। अगर उसका एआई, अगर अब आपको एआई चेक करना है कि आपने जो लिखा है उसमें एआई कितना है कितना नहीं है, तो आप 0 GPT यूज़ कर सकते हो। 0 GPT विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ए कितना ह्यूमन रिटन है या कितना एआई रिटन है उसमें कंटेंट। एक और चीज़ 0 GPT की आपको समझाती हूँ, अगर आप 1-1 पैराग्राफ करके डालोगे तो उसमें दिखाएगा कि 1 पैराग्राफ के बाद कि हाँ भाई उसमें वो 100% ह्यूमन रिटन है। बट यही अगर आप 2 पैराग्राफ इकट्ठे डालोगे उसके नेक्स्ट वाला, तो उसमें वो एआई डिटेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो इसलिए जितना शॉर्टर आप उसमें कंटेंट डालोगे उतना वो दिखाएगा 100% ह्यूमन रिटन। तो आप, मैं क्या करती थी, मैं पैरा पैरा करके भी चेक करती थी एंड देन मैं फिर पूरा का पूरा जितना भी रिपोर्ट का होता था, मतलब जितने भी वर्ड्स अलाउड होते हैं 0 GPT में, मैंने 0 GPT का कभी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ज़रूरत भी नहीं है। तो उसमें जितने भी वर्ड्स होते मैं उतने टोटल वर्ड्स कॉपी करके पेस्ट करके वहाँ पे चेक करती थी, उसमें मुझे एआई डिटेक्शन पता चल जाता था। एंड वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी चैट जीपीटी यूज़ करा है, बट इसलिए भी क्योंकि मैं ग्रामरली यूज़ करती थी। ग्रामरली यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सब्सक्रिप्शन हमें यूसीडब्ल्यू ही देगा। तो जो ग्रामरली है उससे आप अपना ग्रामर करेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि ग्रामर भी, जो ग्रामरली भी है वो भी एक तरीके से एआई ही है, तो वो उस चक्कर में वो जो है ना वो पैराफ्रेस कर देता है, वो रीफ्रेस कर देता है सेंटेंसेस को ग्रामर करेक्शन के चक्कर में, तो वो एआई डिटेक्ट हो जाता है। इसलिए जब आप ग्रामरली पे अपनी ग्रामर चेक कर लो उसके बाद भी एक बार 0 GPT में ज़रूर चेक करना कि उसमें कोई एआई तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा scribble.com एक एप्लीकेशन है या एक साइट है जहाँ पे आप साइटेशंस या रेफरेंसेस जनरेट कर सकते हो, स्पेसिफिकली साइटेशंस। मतलब आपने जो जहाँ से भी डेटा उठाया है वहाँ वेबसाइट का लिंक डालो तो वो आपको साइटेशन जनरेट करके देगा। मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जो यूज़ करते हैं बट मैंने आज तक ये scribble.com यूज़ नहीं करा है।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बेहतर तरीके से साइटेशंस लिख पाती हूँ या रेफरेंसेस लिख पाती हूँ, एंड मेरे कभी भी उस चीज में मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए कि आपका साइटेशन गलत है या फिर आपके रेफरेंसेस गलत है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज जो है कैसे लिखना है वो मुझे मेरे प्रोफेसर ने सिखाया फर्स्ट टर्म में, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था असाइनमेंट टिप्स वाली में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो, उन प्रोफेसर ने मुझे जैसे गाइड किया मैंने हमेशा वैसे ही चली हूँ। तो साइटेशंस लिखना और रेफरेंसेस लिखना बहुत इजी होता है, किसी एप्लीकेशन के भरोसे आप साइटेशन जनरेट कर दोगे, आप डाल दोगे, बट यू आर नॉट 100% श्योर कि वो सही है या नहीं सही। इसलिए अगर आपको चाहिए, वैसे मैंने पूरा एपीए पे वीडियो बनाया है कैसे साइटेशन लिखते हैं, कैसे रेफरेंसेस लिखते हैं, मैंने समझाया है। स्टिल अगर अभी अभी आपको डाउट है और अगर आपको चाहिए कि मैं किसी लाइव वेबसाइट से कोई कंटेंट उठा रही हूँ उस वेबसाइट का रेफरेंस या फिर साइटेशन जनरेट करूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी कि हाँ ये वेबसाइट है, इस तरीके से मैंने इसका साइटेशन लिखा और इस तरीके से मैंने इसका रेफरेंस लिखा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। आई एम हेयर टू हेल्प यू, तो इस चीज़ के बारे में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मेजरली यही एप्लीकेशन है, इसके अलावा एक कॉपी एआई एप्लीकेशन है, मैं कॉपी एआई भी काफ़ी यूज़ करती थी। कॉपी एआई भी कंटेंट क्रिएशन के लिए हेल्प हो जाता है कि आपको कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है या फिर आपको जो है पैराफ्रेस करना है, वो प्रीफ्रेस कर देता है पूरा सेंटेंसेस, तो बहुत ऑप्शंस देता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप क्विलबोट यूज़ कर सकते हो, मतलब क्विलबोट इज़ वेरी फेमस अमंग स्टूडेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चा क्विलबोट यूज़ करता है। क्विलबोट से आप पैराफ्रेज कर सकते हो, आप अपनी ग्रामर भी चेक कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैंने ग्रामरली के लिए बोला, यूनिवर्सिटी एआई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, राइट? तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर हम क्विलबोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी हम एक बार एआई चेक करेंगे 0 GPT पे, अगर उसके बाद भी एआई आ रहा है तो आप खुद से लिखो एंड एआई को रिमूव करो। इट्स ओके अगर 1 या 2% आपकी ग्रामर मिस्टेक होगी, इट्स नॉट अ बिग डील, बट एटलीस्ट आपका एआई डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये प्रॉब्लम आया तो आपको उस सब्जेक्ट में मार्क्स भी 0 मिलेंगे, उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में भी 0 मिलेंगे। तो इसी वजह से हम एआई का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एआई यूज़ करना आसान है बट बहुत बच्चे हैं जिनको इंटीग्रिटी लेटर मिल जाता है, तो हमें थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये वाले चक्रों में नहीं पड़ना है। एंड कोई भी चीज़ कहीं से भी यूज़ कर रहे हो, इट्स ओके, बस उसका रेफरेंस यूज़ करना ज़रूरी होता है और खुद की लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी होता है। इसलिए समझने के लिए ये सारी एप्लीकेशंस आर रियली गुड। इनकेस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू जस्ट राइट अ प्रॉम्प्ट टू द चैट जीपीटी, वो आपको समझा देगा और वो ये भी बता देगा कि व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ इट, देन राइट इट योरसेल्फ। डू नॉट डिपेंड ऑन चैट जीपीटी की कॉपी पेस्ट करोगे, वरना आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। असाइनमेंट्स लिखने में भी आप स्ट्रेसफुल फील करोगे एंड उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आप टेंस्ड रहोगे कि आपको लगेगा कि पढ़ाई डिफिकल्ट है। पढ़ाई डिफिकल्ट डेफिनेटली है बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इन योर हैंड, आप उसको कैसे ईजी बना सकते हो। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करती थी पढ़ने के लिए। गाइज ये वाला एप्लीकेशन तो मैं आपको बोल रही हूँ 100% यूज़ करना, विच इज़ क्विजलेट, राइट? क्विजलेट एप्लीकेशन पे हर चैप्टर का मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे। तो अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रोफेसर जो है वो क्विजेज लेने वाले हैं एग्जाम में, मतलब और चाहे ऑनलाइन क्विज हो चाहे प्रॉक्टर्ड क्विज हो, मतलब लाइक देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर जो कि डाउनलोड करवाते हैं प्रोफेसर जब आप यूनिवर्सिटी में जाके अपना मिड टर्म या फाइनल टर्म देते हो, जिससे आप स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते हो, आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, राइट? बिल्कुल भी। तो वो क्विजेज आपको करने हैं, राइट? बट वो MCQ होते हैं या फिर वो वन लाइन आंसर टाइप होते हैं। तो क्विजलेट इज द एप्लीकेशन जिसने मेरे को बहुत हेल्प करी है, मैं सिर्फ उसी से ही पढ़ाई करके जाती थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव 30-40% क्वेश्चंस तो सेम होते थे क्विजलेट वाले, एंड उसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते थे, बिकॉज मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होते थे तो मेरे को आइडिया रहता था कि इनका आंसर्स क्या है और आपको वो हेल्प करेगा पास होने में और अच्छे नंबर लाने में। तो ये क्विजलेट एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ करना अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जो क्विजेस जो कि MCQ टाइप रिलेटेड क्वेश्चंस से रिलेटेड अगर एग्जाम है या प्रॉक्टर्ड क्विजेस हैं, इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड उसके अलावा एक और एप्लीकेशन है विच इज़ चेक। तो चेक जो है बहुत स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं बट मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगता, वो चेक से भी साइटेशंस जनरेट हो जाती हैं, पैराफ्रेज हो जाता है, उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं,
पुराने कुछ स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे होते हैं वो मिल जाते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू, मतलब मुझे पर्सनली वो हेल्पफुल नहीं लगा। तो आप वो देख सकते हो, इनकेस अगर आपको लगे कि वो सही है तो यू कैन यूज इट। एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि आपको इतनी सारी चीज़ों में पैसे लगाने की ज़रूरत है। टेक योर डिसीजन वाइजली कि आपको किस चीज़ में पैसे लगाने की ज़रूरत है, तो आप उसी में ही लगाना। एंड क्विजलेट सिर्फ तभी हेल्प आएगा जब आपका कोई एग्जाम वगैरह हो जो कि क्विजेस से रिलेटेड हो। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो भी मुझे बताओ। एंड मैंने आज तक आपसे नहीं पूछा, बट मैं आज एक चीज़ आपसे पूछने चाहती हूँ, इन केस अगर आपके पास आपको कोई भी फीडबैक देना है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ फीडबैक। इन केस इफ यू फील कि हाँ आपको कमेंट में नहीं बताना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई एम स्टिल लर्निंग गाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। तो मुझे बताओ कि इन केस इफ देयर इज एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और इन केस इफ यू आर रियली लाइकिंग माई कॉन्टेंट एंड इट हैज बीन हेल्पफुल टू यू, सो डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।